तगड़ा गड्ढा है यार, वेरी नाइस। वाह 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 वाह। रूबल, आप रोडीज पे ऐसा क्या फ्रेश करने वाले हैं जो हमने आज तक नहीं देखा? आज तक कोई देश का सिपाही आया नहीं इस पे, पहली बार आया है। अच्छा। और प्रूफ करके जाएगा। मेरा नाम रूबल धनखड़ है, मैं 27 साल का हूँ। मैं दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर पिछले 6 साल से देश की और जनता की सेवा कर रहा हूँ। दिल्ली वाली मेरे पे एक खास बात है, जो करते हैं कह के करते हैं, ओरिजिनल है जो है फेस पे। रूबल सर, सीरियस क्यों होते हैं यार? नहीं सर, सीरियस। खुश हो सर? बिल्कुल। मूछें बहुत प्यारी हैं रूबल। थैंक यू सर। आप एक ऑफिसर हो सर दिल्ली पुलिस में? जी। और छुट्टी लेकर आए आप सर? एनओसी लेकर आए? बिल्कुल सर। अगर सिलेक्ट हुए तो आपको परमिशन मिलेगी सर? मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी सर। आप ये बताइए कि आप रोडी क्यों बनना चाहते हैं? मैम, एक हमारी इमेज बहुत खराब है, कोई मैम ढंग से बात ही नहीं करता, वर्दी पहनी हुई है ऐसे निकल जाते हैं लोग, बहुत बुरा बिहेव होता है हमारे साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि इमेज बहुत खराब है? मैं टीवी के थ्रू, ये बहुत बड़ा मंच है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर सपोर्ट भी है कि भाई ये बंदा कर सकता है, ऑफिसर भी कहते हैं, इससे यंग जनरेशन को, यूथ को एक मिलेगा, मोटो मिलेगा। रूबल, आप रोडी मटेरियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो आदमी यहाँ पर अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने आया और एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता है लोगों पे, वो रियल नहीं होगा, वो हमेशा डिप्लोमेटिक रहेगा। नहीं सर, मैं नेचुरल हूँ। रोडीज पे ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रणवीर जी के गैंग में या नेहा मैम की गैंग में, ठीक है, नेहा मैम का गैंग है, वो एक टास्क कभी हारा है और आपको अपने ही गैंग में से किसी एक को इलिमिनेट करना है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे? आप सिर्फ तभी बच सकते हो अगर आप किसी घूस लो। घूस लो सर? हाँ, वो टास्क है। नहीं सर, घूस तो नहीं लेता। बस टास्क हार गए, नेहा मैम हार गई। आज तक ली है? नहीं मैडम, आज तक नहीं ली। नहीं ली, मुझे पता, मैंने तभी वर्ड भी वो इसलिए इस्तेमाल किया है। रोडीज देखा है आपने? सर देखा है। क्या करते हैं वो सर्वाइवर के लिए, क्या कुछ नहीं करते बताओ? कुछ भी कर सकते हैं सर। आप नहीं करोगे? सर्वाइवल पे जब बात आती है ना सर, आपके ना लेने के देने पड़ जाएंगे सर। बच्चे बच्चे जो 19-20 साल के, आपको ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, बेइज्जती। और नहीं सर, सिचुएशन हैंडल करना। सर सबसे पहले आप बहुत स्ट्रांग दिखते हो, आप दिल्ली पुलिस में हो, छूटते ही जिस दिन आपके इम्यूनिटी नहीं होगी आपको वोट आउट कर देंगे। आप जिसकी भी टीम में जा रहे हो ना, वेस्ट जा रहे हो, वेस्ट, क्योंकि आप सबसे बड़ा निशान होगे। पहले तो इसको सबसे पहले इसको निकालो। हम शो बना रहे हैं, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ गए। हम उसी हिसाब से कास्ट करेंगे जहां पे हमारा जो बॉक्सेस है वो सब टिक हो। आपके अंदर मस्ती नहीं है सर। सर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपको बोलूंगा दंड पेल दो, आप पेल दोगे। मैं डांस भी कर सकता हूं। डांस भी कर सकता हूं। मस्ती चाहिए मुझे। अच्छा, बातें हो गई हैं तो जैकेट उतरवाएं। जैकेट उतार दीजिए और फिर टी शर्ट भी उतार दीजिए। ये देख लो, यहाँ पे नया, आप अपने मजे ले। नहीं नहीं, बॉडी आपने टैन दिया है, तगड़ा गड्ढा है यार, वेरी नाइस। Did he say he's married? हाँ यार। Oh no। यार कोई बहुत contestants और हैं। मैं तो यही देख रही थी कि strong है कि नहीं। मैं और कुछ नहीं देख रही हूँ। चढ़ जा काका। ये। पैर आगे करो। अब करो squat। चलो। अब दूसरे पैर के साथ। चलो उधर जाओ। इस पे बैलेंस करो। नेहा मैम के लिए गाना गाओ एक। हेल्प करूं आपकी? हाँ हाँ, जा 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 नेहा जा। बैलेंस कर, अब गाना गा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। Very nice.
चलो ऐसा है कि अब हमारे पास 10 सेकंड है। जी सर। आपको चारों लोगों ने सेलेक्ट किया है, मगर मैं आपको बता दूं कि मेरी गैंग में आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के से आपकी सोच है कि आपको कुछ करना है, आपको लोगों को बताना है, मैं भी इसी मैसेज को लेके यहाँ पे आया हूँ। दूसरी चीज, डिसिप्लिन आदमी हो आप, इसलिए क्योंकि मैं भी डिसिप्लिन हूँ तो आपको मेरी गैंग में होना चाहिए और यहाँ अच्छा फन करना चाहिए। रूबल, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश में तो वुमेन आर वेरी वेरी अनप्रोटेक्टेड, एंड आज अगर आप एक औरत की टीम में आए तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देंगे एज ए पुलिस ऑफिसर। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी टीम में ज़रूर आएँ, इट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस टू मी। हम सबको तू बहुत पसंद आया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तू शो पे आएगा हमारे साथ, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल जो है हमारे शो पे आएगा और अपना नाम रोशन करेगा, दिल्ली पुलिस का नाम रोशन करेगा। तू जिसकी मर्जी टीम में जा, मेरे लिए वही खुशी की बात है कि तू रोडीज पे आ रहा है। थैंक यू सर। अगर अपना मकसद ये है कि रोडीज को जीतना है और मैसेज लोगों को बताना है, तो तुम्हें पता है तुम्हें कौन सी गैंग में जाना है। Bom dia.